उत्तर प्रदेश के मुखिया की लाख नसीहतों के बाद भी पुलिस कर्मी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस को जनता की सुरक्षा और सेवा के लिए बनाया गया है, लेकिन अब यही पुलिस खुद ही वर्दी का रौब दिखाकर दूसरों की जमीन हड़पने में लगी हुई है। जिसकी शिकायत लेकर पूर्व प्रधान का परिवार जब थाने पहुंचा तो खाकी ने भी खाकी का ही साथ दिया और पीड़ितों को चलता कर दिया। पीड़ितों ने मदद के लिए एसपी और डीएम से लेकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मामला अमेठी जिले के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के निवास मदरगढ़ गांव का है, जहां के रहने वाले पूर्व प्रधान के घर के सामने डीजीपी ऑफिस में तैनात सिपाही ने दबंगई के बल पर जबरन दीवार खड़ी करवा दी। दीवार बन जाने के कारण पूर्व प्रधान के परिजनों का घर से निकलने का रास्ता ही बंद हो गया है, जिसके बाद पीड़ितों ने दीवार को गिराने के लिए थाने की शरण ली। पीड़ितों को 3 दिनों तक दौड़ाने के बाद थाना प्रभारी संबंधित लेखपाल को लेकर मौके पर पहुंचे, लेकिन उल्टा सिपाही के पक्ष में ही फैसला सुना डाला। वहीं पीड़ित ने बताया कि करीब 30 साल पहले उसका मकान बना और पड़ोस में ही विपक्षियों का मकान है। चक मार्ग का निर्माण हुआ, लेकिन सिपाही और वर्तमान ग्राम प्रधान ने घर के पहले तक रास्ता ही बंद कर दिया। ईर्ष्यावश इन लोगों ने मेरे घर के सामने जबरन दीवार ही खड़ी करवा दी, और जब मैं शिकायत लेकर थाने गया तो कोई सुनवाई ही नहीं हुई। सिपाही की पत्नी भी इसी जिले के मोहनगंज थाने में उप निरीक्षक के पद पर तैनात है, जिसका उसे फायदा मिल रहा है। जो यहाँ पे है निदा आरसी, वो अभी तक तो बताते हैं हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनकी बीवी हैं वो। अब जो है उनके एक बच्ची भी हुई है, और यही मोहनगंज थाने में मतलब ये तैनात है वहाँ पे। वो भी आती हैं, मतलब थाने में आके मतलब बैठती हैं, वही कहती हैं गांव में भी आके मतलब काफ़ी दबाव बनाती हैं वो। ये मतलब जो है संबंध उनके काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि अभी भी मतलब जो है बराबर ये जाते आते रहते हैं वहाँ पे, इनके भाई भी जाते आते रहते हैं वहाँ बैठते हैं। और अपना उस दिन भी जब आए तो याद करके बात हो रही थी कि यहाँ मतलब जबकि ये वो एसओ थे और ये सिपाही थे, अरे यार यहाँ लाओ, यहाँ इसको लाओ, हमारी जेब में डाल दो, इस तरह की बात वो कर रहे थे। अमेठी से जनमत न्यूज़ के लिए राम मिश्रा की रिपोर्ट।